हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें थोड़ा सा यानी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं, जैसे कि 0 से 6 और 6 के बाद, यानी यहाँ तो 6 का गैप आ रहा है और इसके बाद आ रहा है 6 से 10 का। तो इसमें क्या होता है, यानी जो माइंड होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा था, सेम फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मेथड का। बस वही है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है क्वेश्चन करते समय, और आपको डायरेक्ट अपने पे हिम्मत रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम मेथड लगेगा और मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। और बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, 2-3 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम थे और मैंने आपको बता दिया था कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप पिछली वीडियोज़ मेरी जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 14.1 का, कि एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एबसेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मेन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। यानी एवरेज बतानी है कि एक स्टूडेंट कितने दिन तक एबसेंट रहा, और ये बता रहा है एक टीचर के पास 40 बच्चों का कितने कितने दिन कौन कितने बच्चे एबसेंट रहे रिकॉर्ड है, तो हमें मीन निकालना है उस चीज़ का। तो इसमें क्या है, अब हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में किया है पिछली वीडियोस में भी। तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की छुट्टी करी बच्चे ने, किसने, और इसमें आएगा फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। इस चीज़ को देखें, जैसे यहाँ 0 से 6, तो यहाँ 6 का इंटरवल है, और इसके बाद जो आया अगला वो आया 6 से 10, यहाँ 4 का गैप आ रहा है। तो इस चीज़ में आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, हिम्मत हार जाता है। बस वो हिम्मत ही नहीं हारनी, बाकी सेम मेथड लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा और आपको सॉल्व करना है। तो 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। इसको सीरियल नंबर दे देते हैं। तो अब अगली फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम एफआई कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 11 बच्चे 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहे थे, यानी 0 से 6 दिन तक के बीच में छुट्टी मारने वाले बच्चे 11 थे, और ऐसे ही 6 से 10 के बीच वाले 10 थे बच्चे, और 10 से 14 दिन तक की छुट्टी मारने वाले बच्चे लगभग क्लास में 7 थे, और उसके बाद 4 4 3 1, ये चीज़ हो गई। अब आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो मैंने बताया था कि एक्स आई कैसे निकालते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपकी ये है फर्स्ट वैल्यू को प्लस कर देते हैं हम सेकंड वैल्यू में अपॉन में 2, इंडिविजुअल मीन वाला मेथड। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे, तो हमारा एक्स आई निकल जाएगा, और एक्स आई हमारे लिए डायरेक्ट मेथड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें क्या है, आपको जैसे एक्स वन, मैं पहले वाले का निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप निकाल सकते हैं बाद में। पहले का निकालते हैं 0 से 0 और 6 को जमा कर ली और अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 6/2, जो कि आ गई 3। ऐसे ही एक बार सेकंड का भी बता देता हूँ, ऐसे ही निकलेगा 6 और 10 को जमा करिए अपॉन में 2, 6 और 10 को जमा कीजिए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16 16/2, 8 आ जाएगा कट के। तो जो एक्स आई आएगा वो ऐसे करके आएगा, आप निकाल सकते हैं अगले क्वेश्चंस में, और आपका मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। तो इसका एक्स आई जो आएगा 10 और 14 24, इसका आएगा 12 12, इसका 17, इसका 24, इसका 33 और इसका 39, ये इसकी एक्स आई वैल्यूज़ आ गई। अब क्या है, हमको डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई
एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और सिग्मा होता है सम ऑफ वैल्यूज, सम यानी एडिशन, जमा करना है सबको। तो एफ आई को जब हम जमा करेंगे तो जो जेल वैल्यू आएगी, और अब एफ आई और एक्स आई का मतलब है, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का मतलब होता है एफ आई की मल्टीप्लिकेशन एक्स आई में। एक्स आई हमने इसीलिए निकाला था, एक्स आई का वैसे यहाँ कोई यूज़ नहीं था, पर हमें एक्स आई और एफ आई इन दो यानी ये वाली वैल्यू निकालनी थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन वाली, और इसी वजह से हमें एक्स आई यहाँ पे निकालना पड़ा, फाइंड करना पड़ा। और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद टेबल बना देते हैं आगे, उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। सिग्मानी ये आएगी एक्स आई और एफ आई की अलग अलग वैल्यू सबकी। तो जैसे 11 को 3 से करेंगे तो 33, 10 को 80, और आपका 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लिकेशन 12 से होगी तो आपके सामने 84 आएगा, और वहीं पे 4 की मल्टीप्लिकेशन जब आप 17 से करेंगे तो आपके सामने 68 आएगा, और 4 की मल्टीप्लिकेशन 24 से करेंगे तो आपके पास 96 आएगा, और 3 की मल्टीप्लिकेशन आप 33 से करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 99, और उसके बाद आपका 1 की मल्टीप्लिकेशन 39 में करेंगे तो 39। तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। अब आपको इन सब का सम करना है, इन सब को जोड़ लीजिए और एफ आई वाली वैल्यूज़ को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ना है हमें इन दो वैल्यूज़ को, और हमारा आंसर फिर काफ़ी हद तक हम अपने आंसर के करीब आ जाएंगे। तो सिग्मा का मतलब जैसा कि मैंने बता दिया कि सम होता है, ऐड होता है, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है ऐड ऑफ सारी वैल्यू का, ऐड वैल्यू। आप ऐड करेंगे जब फ्रीक्वेंसी को, तो आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो डाटा टीचर के पास है वो 40 स्टूडेंट्स का है, 40 स्टूडेंट्स का है, यानी कि जो एफ आई फ्रीक्वेंसी है वो 40 ही होगी। आप इसको प्लस करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 40 ही आएगा, और जो एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लिकेशन है अलग अलग, उसको आज जब आप सिग्मा करेंगे, इसकी जब एडिशन करेंगे आप हर वैल्यू की, तो आपके पास जो डाटा आएगा उसकी उसका जो सम होगा वो आएगा 499, ये आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, मीन इज इक्वल टू यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एक्स आई और एफ आई, सॉरी सिग्मा एफ आई। अब आपको मीन इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 499 अपॉन में 40 स्टूडेंट्स थे सिग्मा एफ आई 40, और जब आप इसको काटेंगे, आंसर ये भी ठीक है पर आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 40 से वैल्यू को, तो आपके पास आंसर अप्रोक्स 12.47 आ जाएगा, यानी लगभग हर बच्चे ने, पूरी क्लास में हर बच्चे का जो एवरेज है, मीन है, वो 12.47 डेज की एब्सेंट लगी है हर बच्चे की, अगर मीन निकाला जाए एक तो। ये इसका आंसर है, और अगली वीडियो एज्यूम मीन मेथड पे लाऊंगा मैं, और तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लगी हो, और शेयर कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू।